इस बीच बड़ी खबर आ रही है गोंडा से। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ डाउन एक्सप्रेस के एसी कोच के 4 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। टिकोरा गांव के पास पलटे हैं ट्रेन के डिब्बे। मेडिकल वैन और एआरटी वैन रवाना की गई है। जिलाई के मोतीगंज रेलवे स्टेशन के पास ये घटना हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये हादसा वहां पर हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे हैं। देवमणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। देवमणि, क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है और क्या रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं? देखिए, ये 15904 डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस है, ये डाउन लाइन पर जा रही थी गोरखपुर की तरफ, और ये जैसे ही के पहले मोतीगंज स्टेशन के बीच पिकौरा नामक जगह पहुंची है, वहाँ ये पटरी से डिरेल हुई है। एसी के 4 कोच डिरेल हुए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एआरटी के वाहन, मेडिकल वाहन और भी तमाम जो बस्ती से, गोंडा से तमाम जो आसपास के जो वाहन है उनको वहां पर मौके पर बुलाया गया है। डीआरएम और भी जो अन्य अधिकारी हैं उनसे बड़े, वो भी मौके रवाना हो गए हैं। लेकिन हालांकि अभी पर जिले पर मौके पर कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा है, क्योंकि घटना अभी तुरंत की है। अभी चूंकि हमारी जो उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई, लोग अभी भी अंदर कोच के अंदर वहां पर फंसे हुए हैं, लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, क्या कोई जनहानि भी वहां पर हुई है? क्योंकि स्थानीय लोग जो रेस्क्यू कर रहे हैं, जो वहां पे लोकल टीम जो पहुंची है वो पहुंची है टीम और रेस्क्यू कर रही है, तो अभी भी एसी कोच थे तो कुछ जो है उनका जो मेडिकल वैन पहुंच रही है और भी जो वाहन पहुंच रहे हैं, कुछ देर में ये स्थिति बताया जा रहा है कि जो मोतीगंज और मनकापुर के वहां पर कुछ काम चल रहा था, अंडरपास बन रहा था, वहां पर कुछ तकनीकी खराबी आई है जिसकी वजह से ये पटरी डीरेल हुई है। तो अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये कहा जा सकता है कि जो ये ब्लॉक सेक्शन था रेलवे का, उसको लेकर कुछ ना कुछ इस तरह की स्थितियां हुई हैं जिसकी वजह से ये डीरेलमेंट हुआ है और इतनी बड़ी घटना हुई है। हालांकि अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, इसीलिए लोग अभी राहत की सांस ले रहे हैं। देवमणि, अगर आप बता पाए हमारे तमाम दर्शकों को एग्जैक्ट लोकेशन, कहां पर यह हादसा हुआ है, कितने बजे यह हादसा हुआ है और कहां से कहां ये ट्रेन जाती है? ये 3 बजे के आसपास ये घटना हुई है चंडीगढ़ से, और ये पश्चिम बंगाल को ये ट्रेन जा रही थी, और रास्ते में घटना हुई है। ये जो गोंडा से बमुश्किल 20 किलोमीटर दूरी पर एक पिकौरा एक जगह है, मोतीगंज से झिलाही के बीच में एक जगह है जहां पर ब्लॉक सेक्शन में कुछ काम चल रहा था, अंडरपास बनने का काम चल रहा था, वहां पे ये घटना हुई है। और ये बताया जा रहा है कि घटना लगभग 3 बजे के आसपास हुई है, और कुछ लोग जो जिनका गेट खुल गया था, तो वो चूंकि तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे कि लगभग 100-200 लोग बाहर निकल गए हैं, और कुछ लोगों ने खुद से निकल के अपनी जान बचाई है, कुछ लोगों का रेस्क्यू चल रहा है, और मेडिकल वैन और एआरटी जब मौके पर पहुंचेगी तो स्थितियां स्पष्ट होगी कि किसी की कैजुअल्टी हुई है या कोई कैजुअल्टी क्लेम हुई है या फिर किसी की डेथ हुई है। मुख्यालय से कितनी दूरी है हादसे की, घटनास्थल की? 20 से 22 किलोमीटर मुख्यालय से करीब ये दूरी है। ये जो लखनऊ गोरखपुर का जो रूट है, ये इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण रूट है। गोंडा का जो स्टेशन है उससे करीब 22-23 किलोमीटर दूरी पर ये झिलाही स्टेशन है, उसके बमुश्किल 200 मीटर पहले टिकौरा एक गांव है, वहां पर ये घटना हुई है। तो मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 22-23 किलोमीटर मानी जा रही है, और वहां जिला प्रशासन के अधिकारी उनसे बातचीत हुई होगी आपकी देवमणि, क्या उनकी तरफ से तत्काल मेडिकल और तमाम जो मदद है वो पहुंचाई जा रही है? जी, निश्चित तौर पे जिलाधिकारी नेहा शर्मा से हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि जो स्थानीय मनकापुर, झिलाही, काजी देवर, जो आसपास की सीएससीज हैं, वहाँ के मेडिकल वैन 102 और जो एम्बुलेंस है वो मौके पर मेडिकल टीम के साथ रवाना कर दिए गए हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे इक्का दुक्का लोग मौके पर पहुंच भी गए हैं, क्योंकि ये जो घटनास्थल है ये स्टेशन से थोड़ी दूरी पर है, तो वहाँ पहुंचने में भी थोड़ी सी समस्या है। ऐसे में मेडिकल वैन के कुछ लोग पहुंच गए हैं, लेकिन आसपास का जो इलाका है, नवाबगंज, मनकापुर, काजी देवर और आसपास का जो कुड़ासन के जो सीएससीज हैं, वहां के लोगों को एक्टिव कर दिया गया है, और वो मेडिकल वैन, एम्बुलेंस और भी तमाम अपने उपकरणों के साथ वहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं। अनुपम, जैसा बताया जा रहा है और जैसा कि हम तस्वीरें भी देख रहे हैं देवमणि,
क्या लग रहा है, क्या जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों से कुछ बातचीत हो पाई है? गाड़ी क्या तेज स्पीड में थी या फिर कोई और अवरोध वहां पर आया जिसके चलते है, या सिग्नल की कोई दिक्कत थी, क्या वजह अभी तक निकल रही है? देखिए यहाँ पर जो मौके पर जो लोगों से बातचीत हमारी हो पा रही है, एक जो वहाँ पर मौके पर एक व्यक्ति था जिसने खुद से अपना वीडियो बना के कि बाल बाल बच गया इस तरह की, वो क्योंकि अचानक से ये घटना हुई है, इसी को पाने में अभी ये अगर सक्षम नहीं है कि किस तरह की घटना हुई है, क्योंकि स्टेशन के पहले का ये जो इलाका था वो वहाँ पर जो कि झिलाही स्टेशन है वहाँ पर ट्रेन रुकती नहीं है, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन है, तो ऐसे में स्पीड जरूर 100 से ऊपर रही होगी, लेकिन ये स्थितियां अभी ये स्पष्ट नहीं है, ये स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है कि घटना किस वजह से हुई है। फिलहाल प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि जो ब्लॉक सेक्शन था वहाँ पे काम चल रहा था अंडर पास के पास, वहाँ कुछ इस तरह की तकनीकी खराबी हो सकती है जिसकी वजह से डीरेल हुई हो ट्रेन और ये हादसा हुआ है। फिलहाल जैसा कि आप बता रहे हैं कि जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में रेस्क्यू का काम क्या अभी शुरू हो पाया है या स्थानीय लोग ही अभी रेस्क्यू कर रहे हैं? देखिए चूंकि मुख्यालय से जैसा कि मैंने बताया कि 22 से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये जो घटना स्थल है वहां से एआरटी और मेडिकल वैन रवाना कर दी गई है, रेस्क्यू भी शुरू हो गया है स्थानीय लोगों के द्वारा, लेकिन अभी जो रेलवे की जो पूरी टीम है वो मौके पर नहीं पहुंच पाई है और स्थानीय लोगों की मदद से ही कमोवेश यहां पर कराया जा रहा है। देवमणि जैसा कि आप बता रहे हैं अगर हम देखें तो ये ग्रामीण इलाका तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, यानी कि आसपास जो ग्रामीण हैं वो भी वहां पर मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पे ये जो झिलाही के पहले पिकौरा गुनौरा और झिलाही और आसपास के जो 4-5 गांव हैं वो वहां पर ये चूंकि स्थानीय लोग हैं और करीब सैकड़ों की संख्या में मौके पर लोग पहुंच गए, तो स्थानीय लोग वहां पर रेस्क्यू कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर उनकी वजह से एक जान भी बच जाती है तो कहीं ना कहीं ये पुण्य का काम होगा या फिर एक मदद का काम होगा, तो स्थानीय लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लगे हुए हैं और पूरे मनोयोग से वो वहाँ जो यात्री हैं उनकी मदद करने में जुटे हुए हैं। जो बाकी पैसेंजर्स हैं, जो बाकी डिब्बे हैं, उनके पैसेंजर्स को क्या कन्वे किया गया है, क्योंकि और बाकी गाड़ियां तो क्रॉस हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं अभी कोई गाड़ी? क्योंकि ये डाउन लाइन है, ये चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ जा रही थी, तो इस ट्रेन को फिलहाल अभी ये डाउन लाइन बंद कर दी गई है, पूरी तरीके से डीरेल है। हाँ, कुछ ट्रेनों को यहाँ से ये बताया जा रहा है कि गोंडा के पहले जो बरुआ चक और जो और स्टेशन है वहां से दूसरी लाइन से गुजारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चूंकि अभी घटना कुछ देर पहले की है ऐसे में अभी रेलवे इस तरह का कोई निर्णय नहीं ले पाया है कि बाकी ट्रेनें, चूंकि जो कंट्रोल रूम से हमारी बातचीत हुई है गोंडा, वो इनका ये कहना है कि चूंकि सारी ट्रेनें डिले हैं उनको भी अचानक से जो कंट्रोल रूम को भी ये जानकारी वहां के जो कर्मचारी थे उनको नहीं पता चला, उनको सिर्फ डिले होने के ट्रेन के बारे में जानकारी मिली थी, तो कहीं ना कहीं जो उसके पहले 4-5 स्टेशन हैं बरुआ चक और गोंडा और आसपास का जो छोटे छोटे स्टेशन हैं वहां पर ट्रेनों को रोका जा रहा है डाउन लाइन को, और जो अप लाइन है उधर से गुजारने का काम किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी जैसा कि तस्वीर में देख रहे हैं इससे साफ नहीं हो पा रहा, आप जरा बताइए दर्शकों को, ये एसी कोच जो 4 डिब्बे हैं ये शुरुआत में इंजन के साथ लगे हुए थे, बीच में थे या पीछे की तरफ थे? ये डिब्रूगढ़ में बीच में ये लगाए जाते हैं, जब ये ब्लॉक सेक्शन पार हो रहा था उसी के बीच में ये डिरेलमेंट हुआ है, तो चूंकि आगे की तरफ जो इंजन के आगे की तरफ कुछ डिब्बे जनरल डिब्बे लगाए गए थे, उसके बाद फिर ये एसी कोच लगा था, उसके पीछे जनरल और फिर सवारी गाड़ी के डिब्बे लगाए गए थे, तो ये बीच में है, ऐसे में ये 4 डिब्बे जब पलटे हैं तो अगल बगल के लोगों को टेम्परेचर कम करने में मदद मिलेगी, जो प्रदूषण का प्रभाव है उसको भी अरेस्ट करने में सहायता होगी, तो इसी पर्पज से। तो देवमणि हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। देवमणि, जो इनपुट्स अभी तक निकल कर सामने आए हैं, इतना बड़ा हादसा वहां पर हुआ है, जाहिर तौर पर जिस तरीके से 4 डिब्बे पटरी से उतरे और गाड़ी बताई जा रही है कि काफी तेज गति में थी, ऐसे में वहां पर लोग बड़े स्तर पे घायल भी हुए होंगे, ऐसे में किस तरीके से अब प्रशासन स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है, क्या आसपास के जनपदों से भी संपर्क साधा गया है? देवमणि आपको मेरी आवाज आ रही है? आगे क्या नाम है? नहीं नहीं
देवमणी से हम संपर्क करें, लेकिन बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी ट्रेन, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गोंडा में हादसा हुआ है, ट्रेन के चार डिब्बे पटरी से उतरे हैं, इसी कोच के डिब्बे पटरी से उतरे हैं। राहत और बचाव का काम स्थानीय लोगों के द्वारा वहां पर मौके पर किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से जो एम्बुलेंसेस हैं या मोबाइल वैन्स हैं वो मौके के लिए रवाना की गई हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 22 किलोमीटर दूर है। जो घटना स्थल है वो 22 किलोमीटर दूर है, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। 3 बजे के करीब यह हादसा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि देखते हैं जब कोई ट्रेन होती है तो जो एसी कोच होते हैं वो बीच में होते हैं अमूमन, तो बीच के ये 4 कोच वहां पर डरेल हुए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हादसा, क्योंकि गाड़ी तेज गति में थी, ट्रेन तेज गति में थी, और जिस तरीके से 4 एसी के डिब्बे कोच डिरेल होते हैं। देवमणि मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवमणि, जाहिर तौर पर अब राहत और बचाव का काम चल रहा होगा वहां पर, लेकिन क्या आसपास के जनपदों से भी संपर्क साधा गया है, वहां से भी मदद मांगी गई है? देखिए, जो हमारे अधिकारियों से बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि बगल में अयोध्या, बाराबंकी, बस्ती और बलरामपुर से तुरंत मदद मांगी गई है। बहराइच के आसपास के जो मेडिकल वैन है, और उसके क्योंकि हम रास्ते में यहाँ पे हैं, तो कुछ लोग खुद से जो ट्रेन जो जिसके जनरल बोगी में जो लोग सवार थे और बोगी में सवार थे वो निकल के सड़कों पे आ रहे हैं, तो उनका ये लगातार कहना है कि वहाँ पर अभी रेस्क्यू की टीम कम पहुंची है, क्योंकि ये एरिया चूंकि ग्रामीण इलाका है, वहां पर मेडिकल वैन पहुंचने में भी अभी दिक्कत होगी। लेकिन आसपास के जनपदों गोंडा, बहराइच, बलरामपुर के जनपदों से भी संपर्क साधा जा रहा है, और लगातार ये देखा जा रहा है कि मेडिकल वैन पहुंचे, वहां पर रेस्क्यू पहुंचे और लोगों को मदद मिल सकेगी। देवमणि, जिस तरीके से देखा जाए तो एसी कोच में, क्योंकि अमूमन दोपहर का वक्त होता है, 3 बजे का वक्त, तो जाहिर तौर पर लोग जो है वो आराम की मुद्रा में होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि खाना पीना खा करके उसके बाद लोग जो है लंबे सफर पे होते हैं तो रेस्ट की मुद्रा में होते हैं। ऐसे में ये हो सकता है कि बहुत से लोग वहां पर आराम कर रहे हों, सो भी रहे हों उस वक्त, जिस वक्त ये हादसा हुआ हो। देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि ये दोपहर का समय है, ऐसे में लोग एसी कोच में खास तौर से लोग खाना खा के या नाश्ता वगैरह करके और आराम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जब अगर जो लोग चैतन्य अवस्था में होते हैं, अगर एक्सीडेंट होता है तो उनके बचाव के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ है और उस समय लोग सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, ऐसे में उनको ये घटना की जानकारी नहीं हुई होगी कि किस तरह से हादसा हुआ है और क्या हुआ है और किस तरह से ये लोग बचे और किस तरह से लोग बाहर जाएं। ऐसे में कहीं ना कहीं स्थितियां जरूर परेशान करने वाली हैं। फिलहाल जैसा कि आप बता रहे हैं 22 किलोमीटर जिला मुख्यालय से इसकी दूरी है, तो क्या आधा एक घंटा लगेगा अभी तमाम फोर्सेस को, तमाम राहत टीमों को पहुंचने में? देखिए, जो स्थानीय जो मनकापुर और आसपास के इलाकों की जो मेडिकल वैन है वो यहाँ पर पहुंच गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूर से मंगाई गई है या जनपद मुख्यालय से या आसपास के इलाकों से जो 102 या एम्बुलेंस के वैन या जो मेडिकल का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उनको पहुंचने में कहीं ना कहीं देर लग सकती है। कुछ रिएक्शन हमारे पास आ रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। बाल बाल बच गया, एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें घबराइएगा नहीं, मैं सही सलामत हूँ। आप बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस और 2 की मौत की खबर आ रही है, ट्रेन हादसे में 2 की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। शुरुआती खबर यहां पर, शुरुआती जानकारी जो न्यूज 18 के पास आ रही है, 2 लोगों की मौत की खबर है। देवमणि बातचीत करने के लिए हमारे साथ, देवमणि कई लोग घायल हुए हैं, 2 की मौत की खबर आ रही है, क्या जानकारी आपके पास? तो जो अधिकारियों से बातचीत हुई है यहाँ पर चल अधिकारियों से, उनका यह कहना है कि जो रेस्क्यू के दौरान जो निकाला गया है घायलों से, इसमें 2 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हुई है। अभी हालांकि इनकी पहचान नहीं हो पाई है, इनके आई कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं, लेकिन 2 लोगों की मौत हुई है और अभी घायलों की संख्या जो है वो अभी कहीं ना कहीं जो उच्चाधिकारी हैं वो बता पाने में असमर्थ हैं, लेकिन 2 डेड बॉडी निकाली गई है मौके पर, ये न्यूज 18 के पास बड़ी खबर है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ऐसे में जो लोग वहां पर घायल हैं या जो लोग अभी भी डिब्बों के अंदर फंसे हुए हैं
उनको जब देखा जाएगा, उनको जब निकाला जाएगा, तो घायलों की संख्या और बढ़ सकती है। जी निश्चित तौर पर, अभी चूंकि रेस्क्यू का काम चल रहा है, टीमें पहुंचना शुरू हो गई हैं, ऐसे में राहत बचाव कार्य के दौरान जब जब लोगों को निकाला जाएगा, ऐसे में संख्या स्पष्ट की जा सकेगी कि कितने लोग घायल हैं या फिर कैजुअलिटीज कितनी है। अनुपम देवमणि, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आसपास के जनपदों से भी संपर्क साधा गया है, ऐसे में जो लोग बाकी लोग ट्रेन में सवार थे कोचेस में, क्या वो लोग अभी ट्रेन में ही हैं या फिर आसपास जो इलाके हैं वहां पर लोग निकलकर बाकी साधनों से अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं? निश्चित तौर पर ये सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि चूंकि जो मेन रोड है, यहाँ से गोंडा मुख्यालय जाने के लिए, मनकापुर से और गोंडा मुख्यालय जाने के लिए जो मेन रोड है, वहाँ पर लोग अपना सामान सर पे रखकर, जो अगर कोई आसपास कोई वाहन मिल रहा है उससे, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है, ये जो जनपद मुख्यालय को जोड़ती है मनकापुर से, तहसील से और गोंडा को, उससे करीब 4 किलोमीटर अंदर ये जो घटना स्थल है, ऐसे में लोगों को वहाँ पहुँचने में भी दिक्कत हो रही है। और चूंकि सब लोग सर पे सामान रख के अपने हाथों में लेके, चूंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं, तमाम उसमें इस तरह के लोग भी रहे होंगे कि बीमार भी रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को मुख्य मार्ग पर जाने में दिक्कत आ रही है, लोग पैदल जा रहे हैं और अपने। देवमणि हमारे संवाददाता लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे हैं। ट्रेन के 4-5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी ये ट्रेन, बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं। देवमणि लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए और लगातार तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राहत बचाव काम के निर्देश वहां पर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर,